देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। नरसेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानने वाले विमल द्विवेदी ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बेजुबान पशुओं के पानी पीने के लिए नगर में अलग बस्तियों में नांद रखवाई जाने की योजना, जिसका शुभारंभ आज नगर के केक बेकरी, शिवनगर, बसाई हॉस्पिटल, कोयला वाली गली, पानी प्लांच, कब्बाखेड़ा, भरत मलाप में गिरिजेश्वर मंदिर के पास आदि बस्तियों में नांद रखवाई गई। फोटो बताया गया कि नगर की अलग अलग बस्तियों से फोन आने पर उन्हें तत्काल नांद उपलब्ध कराई जाती है। इस अवसर पर समाज सेविका भजपनेत्री अनिता द्विवेदी, अजय त्रिवेदी, विकास सिंह सेंगर, अखिल मिश्रा, शिव सेवक राघवेंद्र अभिषेक आलोक, शैलेंद्र व विमल दीक्षित, मनीष अवस्थी, मनीष मिश्रा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। गत वर्षों के इस वर्ष भी गर्मी शुरू होते ही बेजुबान पशुओं की पानी की व्यवस्था को लेकर नगर के लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा गत वर्षों की भांत इस वर्ष भी जो योजना बनाई गई थी कि सभी बस्तियों में बेजुबान पशुओं के लिए नांद रखवाई जाएंगी, इसी क्रम में कल शिवनगर, कोयला वाली गली, भरत मिलाप व कब्बाखेड़ा आदि बस्तियों में नांद रखवाने का कार्य शुरू किया गया है। जैसे जैसे लोगों के फोन आते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को नांद उपलब्ध कराई जाएगी। हम सब नरसेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानकर सदैव बेजुबान पशुओं के लिए व जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बेजुबान पशुओं की जहाँ पानी पीने की व्यवस्था ना हो वो हम लोगों को अवगत कराएं। हम सब तत्काल ही उनके पानी पीने के लिए नान उपलब्ध कराएंगे। बस एक ही आग्रह है कि नान में पानी समय समय पर भरते रहें, जिससे पशुओं को पानी मिल सके। धन्यवाद।